दिमाग जो है हमारे शरीर को नियंत्रित करने का काम करता है, दाया दिमाग है मरते दम तक हम जितना लक्ष्य तय करते हैं उन सभी लक्ष्यों को पूर्ण करने की शक्ति प्रकट करता है और उसी से हमारे सभी लक्ष्य पूर्ण होते हैं। और इस रहस्य को नहीं समझते हुए मनुष्य प्राणी कुछ भी पाने के लिए बहुत सारा पढ़ाई करना, दुनिया भर का देखिए बुद्ध या महावीर ने कोई पढ़ाई नहीं की, वो कितने बड़े ज्ञानी हुए। आज पढ़ा हुआ MBA पढ़ा तो MBA जितना ज्ञान रखता, BA पढ़ा BA जितना ज्ञान, CA पढ़ा CA जितना ज्ञान। और भगवान महावीर से कोई भी सवाल करो, पाताल लोक का, देव लोक का, मनुष्य लोक का, वहां घटने वाला, यहाँ घटने वाला, किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़े, किसी भी कॉलेज में नहीं गए, लेकिन उन्होंने ध्यान से अपना दाया दिमाग सक्रिय कर लिया। और जब दाया दिमाग सक्रिय कर लिया तो सातों लोकों का ज्ञान उनके अंदर टेलीस्कोप टीवी की तरह दिखने लगा, हर चीज वो बोलने लगे। तो वो शक्ति दाएं दिमाग से प्रकट होती है, मन चाहा परिणाम पाना हो तो दाया दिमाग को सक्रिय करना है, और दाया दिमाग को सक्रिय करना हो तो किसी भी एक चिन्ह के ऊपर दिमाग लगाएं। जिस चिन्ह पर दिमाग लगाया वो चिन्ह की शक्ति हमारे में घुसेगी, साथ साथ दाया दिमाग भी सक्रिय होगा। दाया दिमाग सक्रिय करना हो तो एकाग्र होना जरूरी है। और आज के तारीख में लाख में 10-20 लोग ध्यान कर पाते हैं। कितने लोग भैया? 10 या 20। बाकी सब क्या है, सुबह उठे तटी गए, पेशाब गए, नहाए धोए, ऑफिस निकल गए, काम में लग गए, या यहाँ वहाँ पड़े हैं, गपशप कर रहे हैं, दुनिया के सब लपड़े में पड़े हैं। लेकिन कुछ समय मुझे एकाग्र होने से क्या फायदा होगा ये पता नहीं होने के कारण व्यक्ति कभी ध्यान की प्रक्रिया में नहीं जाता है। और ध्यान भी किस चीज पर करे तो क्या फायदा, मैंने पहले भी बोला इसी प्रवचनों में, इसी संस्कार चैनल में, पहले के प्रवचन में मैंने बोला कि भाई पहाड़ का चित्र अगर कोई व्यापारी दुकान में अपने पीछे लगाता है उससे उसकी स्थिरता आती है, क्योंकि जब भी वो बैठेगा तो वो चित्र को देखेगा, उठेगा तो चित्र को देखेगा, हजार बार ऐसे देख देख के उसका दाया दिमाग सक्रिय होने लगेगा, साथ साथ उस दिमाग में ये सबकॉन्शियस माइंड में ये चित्र अंदर घुस जाएगा। और पहाड़ स्थिरता का चिन्ह है तो उसके काम में स्थिरता, उसके काम में अडिगता, उसके काम में सफलता, तीनों प्रकट हो जाएगी।